हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे दोस्तों, मैं सौरभ त्यागी आपका स्वागत करता हूँ फिट फॉर हिट चैनल में। मैंने अपनी एक वीडियो चाणक्य नीति पार्ट एक में बताया था कि चाणक्य देश सेवा को सर्वोपरि मानते थे और ये उनके खुद के आचरण में साफ दिखाई पड़ता था। दोस्तों, एक बार की बात है, मगध साम्राज्य के सेनापति अपनी खुद की किसी समस्या को सुलझाने के लिए चाणक्य से मिलने पाटलिपुत्र पहुंचे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चाणक्य अपने कमरे में दीपक के प्रकाश में कुछ लिख रहे थे। सेनापति को देखकर और उनके आने का कारण पूछकर चाणक्य ने सेवक को आवाज़ लगाई और कहा, आप कृपया इस दिए को बुझा दीजिए और दूसरा दीपक जलाकर रख दीजिए। सेवक ने आज्ञा का पालन करते हुए ठीक वैसा ही किया। जब चर्चा समाप्त हो गई तब सेनापति ने उत्सुकतावश प्रश्न किया, हे महाराज, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि एक दिए को बुझाकर दूसरा दिया क्यों जलाया आपने। इस पर चाणक्य ने मुस्कुराते हुए सेनापति से कहा, भाई, पहले जब आप आए तब मैं अपने राज्य का काम कर रहा था, उसमें राजकोष का खरीदा गया तेल था, पर जब मैंने आपसे बात की तो अपना दिया जलाया, क्योंकि आपके साथ हुई बातचीत व्यक्तिगत थी। मुझे राज्य के धन को व्यक्तिगत खर्च में करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसा मैंने किया। चाणक्य ने आगे कहा, स्वदेश से प्रेम का अर्थ है अपने देश की वस्तु को अपनी वस्तु समझकर उसकी रक्षा करना। ऐसा कोई काम मत करो जिससे देश की महानता को आघात पहुंचे। अगर मैं देश की जनता के पैसे से खरीदे गए तेल को अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करूंगा तो ये मेरे देश के प्रति विश्वासघात होगा। चाणक्य कहते थे कि इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए क्या सोचा है, यानी कि अपनी योजना को किसी को ना बताएं। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करते रहने के लिए दृढ़ रहिए। अगर आप अपने लक्ष्य और प्लानिंग दूसरों को बताएंगे तो आपका आइडिया चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है और आप उससे मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। और दूसरा कारण है कि अगर आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए तो आप लोगों में हास्य के पात्र बन जाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखेंगे और किसी कारणवश सफल नहीं भी हुए तो आप लोगों की निंदा से बच जाएंगे। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है और चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाकर उन्होंने इसे सिद्ध भी किया था। चंद्रगुप्त जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार के बालक थे, लेकिन उनकी महानता को देखकर चंद्रगुप्त ने उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुना। और वो लक्ष्य क्या थे? वो लक्ष्य थे राष्ट्र की एकता और अखंडता। वर्तमान समय में भी आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जब लोग बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए और उन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो राजघरानों में पैदा हुए हैं और अमीर घर में पैदा होने के अलावा उनके पास कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सांप, शेर, मधुमक्खी, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख व्यक्ति, इन सभी को नींद से नहीं उठाना चाहिए। अगर आप इन सभी को सोते हुए देखते हैं तो आचार्य चाणक्य के अनुसार भलाई इसी में है कि आराम से पास से गुजर जाएं, उन्हें नींद से जगाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनकर समझकर उनका अनुसरण करेंगे तो हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्दी ही पार्ट 4 लेकर आता हूँ चाणक्य नीति का। आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।